हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग कांतारा का ड्राइंग बनाने वाले हैं। सबसे पहले हमें एक अच्छा फोटो ढूंढना है। बहुत देर तक फोटो ढूंढने के बाद हमें एक अच्छा रेफरेंस फोटो मिल गया है, जिस टाइप का ड्राइंग मुझे बनाना था तो बनाना। काफी टाइम से कमेंट सेक्शन में कुछ लोग कांतारा का ड्राइंग बनाने का बोल रहे थे, तो आज हम फाइनली बनाने वाले हैं। और आज एक एक्रिलिक पेंटिंग बनाने वाले हैं, जिसमें हम एक ब्रश का यूज करने वाले हैं, पता ही होगा। और हमारे फोटो में रेड रेड बहुत है, तो रेड कलर का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। और गाइस, आज आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कि आप लोग भी कैसे बना सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं, बट उससे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे बनाना है, तो वैसे मुझे पूरा तो आता नहीं है बताते, मतलब मैं सीख रहा हूँ एक्रिलिक पेंटिंग, बट फिर भी बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले येलो रेड कलर को मिक्स करके बनाया, और जहाँ पर डार्क शेड आप देख रहे हो वहाँ पर मैंने कोई ब्राउन कलर का यूज़ नहीं करा है, बस जो हमारा रेड कलर है उसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर मिला दिया है, तो वो डार्क हो गया। मतलब मेनली मैंने तीन कलर्स का यूज़ करा है, ऑरेंज नहीं रेड, येलो एंड ब्लैक, मेनली इन तीन कलर्स का यूज़ करा है। बाकी हाईलाइटिंग करने के लिए व्हाइट कलर का यूज़ करा है, मतलब उनके लाइट शेड्स बनाए। तो मुझे मतलब आता नहीं है अच्छे से बताते एक्रिलिक पेंटिंग में। बाकी देख लो मेरा जो ब्रश किस तरीके से चल रहा है, तो वो आप देख देख कर बना सकते हो। और आउटलाइन बनाने के लिए मैंने ग्रिड मेथड का यूज़ करा, मतलब केवल फेस फेस में ग्रिड मेथड का यूज़ करा है। तो अब देखो, बूम। बैकग्राउंड में मेनली मैंने रेड कलर का यूज़ करा है, बड़े ब्रश का यूज़ करके, और रेड कलर को यूज़ करा है। और जो पीछे वाला साइड थी वहाँ पे मतलब थोड़ा डार्क शेड देने के लिए रेड में ब्लैक मिक्स करके करा है। तो बस इन्हीं मेन कलर्स का यूज़ करके मैंने पूरी ड्राइंग को बनाया, ज़्यादा कलर्स नहीं लगे, बट मेरा रेड कलर लगभग पूरा ख़त्म हो चुका था। अब हेयर में मैंने कुछ अलग टेक्निक का यूज़ करा, ये टेक्निक पता नहीं यूज़ करते होंगे ना या नहीं। मैंने पहले पूरा ब्लैक कर दिया, और फिर उसके बाद ब्राउन कलर मतलब रेड में ब्लैक को मिक्स करके ऐसे मैं कर रहा हूँ। और ब्लेंडिंग करने के लिए मैं मेरी फिंगर का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि वो थोड़ा फरी एंड जूम टाइप का, ब्लर टाइप का टेक्स्चर लगे बालों में, तो इस टेक्निक का मैंने यूज़ करा है। चेस्ट में पेंटिंग करने के लिए मैंने रेड एंड येलो कलर का यूज़ करा है, मेनली इन दोनों कलर्स का यूज़ करा है। और फिर जो मतलब चेस्ट पे जो बाल है ना, छाती के बाल, रगों के बाल, उनको बनाने के लिए ब्राउन कलर का यूज़ करा है, और फिर उसको वही फिंगर से ब्लेंड कर दिया है। तो ये एक टेक्निक मैंने कुछ निकाली है ब्लेंडिंग करने के लिए मेनली, तो इस टेक्निक से काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाया है, और आई लव इट। तो गाइस, पेंटिंग हमारे यहाँ पर बनके रेडी हो चुका है, एंड
मेरा काम हो चुका है पूरा, तुम लोगों का काम है बचा, जो कि वीडियो को लाइक करना, तो वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया तो, और अगर साथ साथ में बनाए तो मुझे भेजना जरूर इंस्टाग्राम पर, बहुत सारे लोग साथ में बनाते हैं और भेजते हैं, तो तुम भी बनाकर भेज सकते हो। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।